प्यारे बच्चों, आज फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ये जो समतल कुंडली कहलाती है, इन्हें हम वृत्ताकार कुंडली भी कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है? जब एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली, मतलब जो कॉयल्स हैं, जो जिसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, धारामापी विक्षेप देती है, क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। अब हमने यहां पे क्या किया? हमने एक समतल कुंडली, जिसे वृत्ताकार कुंडली कहेंगे, सर्कुलर कॉयल कहेंगे, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है? आई वन। इसका केंद्र बिंदु ओ है, इसकी त्रिज्या ए वन है। इसके सकेंद्रीय, मतलब केंद्र बिंदु वही है, एक दूसरी कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है? ए टू है। यह कुंडली प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, जिसे प्राइमरी कॉयल कहते हैं, और जो भार वाली कुंडली है द्वितीय कुंडली, जिसे सेकेंडरी कॉयल एस कहते हैं, कहलाएगी। जब अच्छा, इस कुंडली में जो प्राथमिक कुंडली है, हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या कितनी है? एन वन है। और कितनी धारा बह रही है? आई वन धारा बह रही है प्राथमिक कुंडली में। जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा को प्रवाहित करेंगे, जब धारा बहेगी तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में, चुंबकीय द्वितीय कुंडली उसकी सेकेंडरी है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं प्राथमिक कुंडली से निकलेंगी, वो कहां से पास होंगी, कहां से गुजरेंगी? वो द्वितीय कुंडली से गुजरेंगी। तो जब द्वितीय कुंडली से गुजरेंगी तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसमें एक प्रेरित धारा बहेगी। हमें क्या करना है? प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करनी है। तो हमारे पास द्वितीय कुंडली की जब हम बात करते हैं, द्वितीय कुंडली में हमारे पास फेरों की संख्या कितनी है? एन टू। और प्रत्येक फेरे से बद चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है? फाइव टू। कितना हो रहा है? फाइव टू हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है यहां पे? वृत्ताकार मैग्नेट में धारा वाई कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ए वन। ये प्राथमिक कुंडली में धारा बह रही है। प्राथमिक कुंडली में जो धारा बहती है, जब धारा भी वृत्ताकार कुंडली होती है, तो उसके केंद्र पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? इस सूत्र से हम गणना करते हैं। हम इसके ड्राइव भी कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब समतल कुंडलियों के मध्य उत्पन्न क्या होता है? क्या मध्य उत्पन्न क्या होगा? अन्योन्य प्रेरकत्व। एम ये हो जाएगा एन टू फाइ टू अपॉन आई वन। ठीक, एम एन टू फाइ टू क्या हो जाएगा? बी ए अपॉन आई वन। एम एन टू म्यू नॉट एन वन आई वन अपॉन टू ए वन इन टू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आई वन। आई वन से आई वन कट जाएगा, ये कितना आ गया? म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन टू ए वन। आपका ए पाई आर टू स्क्वायर हो गया, पाई ए टू स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या किसकी गणना कर लेंगे? हम दो समतल कुंडियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की क्या कर लेंगे बेटा? गणना कर लेंगे। तो ये सिंपल सूत्र है, ए की वैल्यू आप पाई ए टू स्क्वायर रख सकते हो,
क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उससे हो रहा है, तो आपको गणना हो जाएगी m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई ए टू स्क्वायर अपॉन टू ए वन। ये अन्योन्य प्रेरकत्व आ गया दो समतल कुंडलियों के बीच में। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है बेटे मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको संपूर्ण पठन पाठन सामग्री उपलब्ध है वीडियो के रूप में, क्या वो थ्योरी हो, क्या वो न्यूमेरिकल्स हो, क्या वो प्रैक्टिकल्स हो। तो बच्चों आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब को जो आप IIT कह देते हैं, NEET देते हैं, उनके भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।